रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में बीती शाम एडीएम का रीडर 3500 रुपए विवाह प्रमाण पत्र के नाम पर लेते हुए लोकायुक्त पुलिस के हाथों पकड़ा गया। 1000 रुपए पहले ही ले चुका था। एडीएम का रीडर 3500 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस के हाथों ट्रैप हो गया। लोकायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही यह कार्रवाई की। विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में मांगे 3 रुपए। एडीएम के रीडर को लोकायुक्त ने गुरुवार की शाम लगभग 6 से 7 के बीच रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया। यह कार्रवाई कलेक्ट्रेट परिसर में ही लोकायुक्त ने की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। रीडर के खिलाफ अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता मनीष कुमार प्रजापति निवासी बेलवा बड़गैयन थाना सिरमौर को विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में 23 जून को आवेदन दिया था, लेकिन पीड़ित को विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के रीडर आशुतोष मिश्रा द्वारा पीड़ित से 6000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। 1000 पहले ले लिया, अब सौदा 3500 रुपए में बना। इस आशय की शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त में की, जिस पर लोकायुक्त द्वारा उसकी तस्दीक कराई गई। शिकायत सही मिलने पर गुरुवार की शाम निरीक्षक प्रमोद कुमार व निरीक्षक जियाउल हक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अन्य कर्मचारियों ने एडीएम कार्यालय में रीडर को 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। कार्रवाई की जानकारी जैसे ही दूसरी शाखाओं को लगी तो कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त द्वारा अब आरोपी रीडर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। रिश्वत न देने पर आरोपी लगातार पीड़ित को आवेदन निरस्त करने की धमकियां दे रहा था, जिस पर उन्होंने 1000 रुपए रीडर को दे दिए थे। अब वह 3500 रुपए और मांग रहा था, पहले 6000 मांग रहा था। कई दिनों तक फरियादी एडीएम कार्यालय में चक्कर काटता रहा। जब आरोपी रीडर ने प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया, तब उन्होंने उसकी शिकायत लोकायुक्त में कर दी। लोकायुक्त द्वारा आरोपी को कार्यालय में ही ट्रैप कर लिया गया। वहीं लोकायुक्त एसपी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में एडीएम के रीडर ने पीड़ित से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर ट्रैप की कार्रवाई कार्यालय परिसर में की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में हमने गोपाल सिंह धाकड़ एसपी लोकायुक्त से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। इसमें जो है मनीष प्रजापति हैं, ये सिरमौर जिला रीवा के रहने वाले हैं। इनका विगत 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। इनको जो है विवाह प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था। उस विवाह प्रमाण पत्र को जो है करीब 1 महीने से ऊपर हो गया था, तो वो बार बार जा रहे थे, उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। उस प्रमाण पत्र को बनाने के एवज में कुछ जो एडीएम के रीडर हैं उनके द्वारा राशि मांगी जा रही थी। पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार में उनसे 1000 रुपये ले लिए गए और बाद में बोला कि और पैसे लगेंगे तो विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और भी जो भी बातें होती हैं आपस में हुई, धमकी भी दी गई कि हम तुम्हारा अरेस्ट कर देंगे, नहीं मिल पाएगा सारी चीज़ें, तो ये केवल अवैधानिक रूप से जो रिश्वत की मांग है। उसी तारतम्य में वो फरियादी जो भी बहुत गरीब आदमी है और गाँव का है, तो वो परेशान होकर मेरे पास आए, उसने शिकायत की। शिकायत के आधार पर जो है कल आरोपी उनका बाबू है उनका, उसको जो है 3500 रुपये लेते हुए कलेक्टर कार्यालय में। आश्चर्य की बात यह है कि कल चूँकि 6:30 बजे के आसपास की कार्रवाई है, जो कि 6-7 के बीच कार्यालय बंद हो चुके थे। फरियादी ने फोन लगाया तो वापस कार्यालय है, वो रिश्वत लेने के लिए आया। तो इससे प्रतीत होता है कि रिश्वतखोरों की क्या हाल है। निश्चित रूप से ये एक मतलब ये तो एक वो बंदा है जो आया और उसने कार्रवाई की, तो बाकी लोगों की भी क्या हाल है। तो हम लोग इस पर नज़र भी बना रखे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से बार बार अपील भी करते हैं कि ऐसा कोई भी मामला है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भ्रष्टाचार चाहे 1 रुपये का हो या 1 लाख का, निश्चित रूप से लोग सामने आएंगे तो हम इसके लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। उसी तारतम्य में जो है उसको हमने ट्रैप किया है। सर इसकी क्या सूचना उन्होंने आला अधिकारी को नहीं दी थी कि ये आपके बाबू मेरे से पैसा मांग रहे थे? उस फरियादी के अनुसार मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फरियादी से जो बातचीत हुई उन्होंने बताया, वो निश्चित रूप से सभी अधिकारियों के पास गए, बार बार मिले भी, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं। इस संबंध में जो कार्यालय से हमने जो उनका प्रकरण चल रहा था विवाह प्रमाण पत्र का, उनको जब्त किए, उस संबंध में मैं एडीएम से भी पूछताछ करूँ। जैसे कि एडीएम के पास रीडर थे तो ऐसी शिकायत तो एडीएम के पास भी गई होगी,
तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी, तो इस में आप क्या निर्णय लेंगे? इसमें एक बार बार समस्या आ रही है, आप लोगों के द्वारा मीडिया में भी चलाया गया था, ये एक प्रैक्टिकल विषय है, इसको लीगलिटी को भी मैं चेक करूंगा, क्योंकि किसी भी कार्यालय में अगर कोई ट्रैप या आय से अधिक संपत्ति या छापे की कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है, तो अभी तक जो एक पैटर्न चल रहा है, जैसा भी हो रहा है कि संबंधित आदमी ट्रैप होता है, बाकी का किसी का कुछ नहीं होता। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उसमें इंटेंशन देखें, साक्ष्य देखें, अभी तक ये जो प्रैक्टिकल परेशानी ये है कि उसमें साक्ष्य जिसके खिलाफ आएंगे उसी में कार्रवाई संभव है। अनावश्यक नाम तो कोई किसी का भी ले देता है कि साहब फलाने साहब को भी देना है, लिंग के साहब ने बोला था, उससे काम नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से उसमें मैं एक लीगल टीम में ये देख रहा हूँ अभी कि यूनिट हेड की किस प्रकार से क्या जवाबदारी बन सकती है, इस आधार पर उनसे भविष्य में आगे की जो प्रकरण होंगे हम पूछताछ भी करेंगे और उनकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे। अगर उनसे फरियादी मिला है और एक समय सीमा और जो नियम था कानून और जो विभागीय उनके सर्कुलर है उनके आदेश का पालन हो रहा है, इस चीज़ को निश्चित रूप से हम देखेंगे, उस आधार पर उनकी जवाबदारी भी तय करना सुनिश्चित करेंगे।